पीएचपी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और सबसे पहले ही हमें ये मालूम होना चाहिए कि पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सो पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। वैसे पीएचपी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन 1994 बाय रैसमस, लॉर्ड ऑफ। सो फर्स्ट टाइम जो पीएचपी लॉन्च हुआ, तो पीएचपी का फुल फॉर्म वैसे पर्सनल होम पेज था, पर्सनल होम पेज, इट्स पीएचपी। बट नाउ ऑफिशियली इंट्रोड्यूस है जब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। वैसे इसका हम बैकग्राउंड में अगर समझना चाहें हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का सेंस, तो वैसे जो भी हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं, इट्स कंसिडर्ड ए हाइपर टेक्स्ट। तो कोई भी हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं, तो ब्राउज़र में शो करने से पहले जो बैकग्राउंड में वर्क होता है, जो सर्वर हम इस शो करने से पहले जो भी प्रोसेस करते हैं, वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। सो डेफिनेशन की अगर बात करें, तो पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसमें हम दो पार्ट देख सकते हैं। पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट्स अ सर्वर साइड एंड अदर रिस्पेक्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यहाँ भी हम समझते हैं, सबसे पहले सर्वर क्या होते हैं। सर्वर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ हमारा डायनामिक डाटा स्टोर होता है। सो सिंपली यू कैन कॉल डायनामिक डाटा स्टोरेज एरिया, इट्स आवर सर्वर। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से हमें क्या समझाना चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ये होता है, जैसे पीएचपी का एक लाइब्रेरी बनाकर सर्वर में रखा हुआ है। तो जब भी हम पीएचपी कोडिंग करते हैं, तो उसी लाइब्रेरी में से रीड करके एग्जीक्यूट होता है। सो बेसिकली पीएचपी हैज़ अ लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड इन सर्वर, सो इट्स कॉल्ड ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो डेफिनेशन में हमारे दो एस्पेक्ट्स हैं, वन सर्वर साइड एंड अदर इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इससे एक और चीज़ हमें मालूम होता है कि पीएचपी सिर्फ सर्वर में एग्जीक्यूट हो सकता है, सर्वर चाहिए पीएचपी के लिए। ये है जैसे और लैंग्वेज जो होते हैं, जैसे C++, जावा, तो ये इनको सर्वर नहीं चाहिए, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। सो सर्वर का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं एज अ वेब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर्वर में बेसिकली हमें पीएचपी वर्क के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देना होता है। सो वी रिक्वायर्ड अ डेटाबेस, दैट इज अ MySQL। डेटाबेस में हमें एक MySQL का डेटाबेस चाहिए, एंड इट सेल्फ अ पीएचपी लाइब्रेरी। पीएचपी का जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए हमारे सर्वर में। और सर्वर बेसिकली हमें जो पीएचपी इन्वायरमेंट के लिए चाहिए, वो अपाची सर्वर होगा। सो इट्स अ अपाची सर्वर विथ अ MySQL डेटाबेस एंड पीएचपी लाइब्रेरी। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास हो, तो हम पीएचपी का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो सर्वर में हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम होना चाहिए। तो वेब डेवलपमेंट के लिए, जो टेस्टिंग के लिए, जो डेवलपर अपने सिस्टम में बनाना चाहते हैं, तो उनके पास एक लोकल सर्वर होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सर्वर में सारी टेस्टिंग नहीं हो सकता है एंड इट्स टाइम टेकन। सो हमें एक लोकल सर्वर चाहिए। तो लोकल सर्वर में काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमें अवेलेबल हैं, जैसे जैम्प।
वैम्प, लैम्प, वर्ट्रीगो। तो ये कुछ लोकल सर्वर हैं जो फेमस हैं। लोकल सर्वर को हम और भी नाम से समझ सकते हैं, जैसे लोकल हॉस्ट भी कहते हैं, ऑफलाइन सर्वर भी कह सकते हैं। तो जैम्प में अगर देखा जाए, जैसे क्रॉस, अपाची, MySQL, PHP प्लेटफॉर्म, इसमें तीनों चीज़ें, इट्स अपाची सर्वर एंड MySQL डेटाबेस विथ PHP। सो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ अपाची, MySQL एंड PHP। वैम में भी ऐसा ही कुछ है, और लैम बेसिकली लाइनक्स प्लेटफॉर्म के लिए होते हैं। सो वी विल बी यूजिंग जैम्प। जैम्प और वैम में थोड़ा कंपेयर करें, वैसे दोनों ऑफलाइन सर्वर है और दोनों में आप PHP का एप्लीकेशन आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। बट जैम में काफ़ी एनऑफ लाइब्रेरी होता है, क्योंकि PHP में अलग अलग यूजेज के लिए लाइब्रेरी चाहिए होगा, तो जैम में लाइब्रेरी काफ़ी है, एनऑफ है, बट वैम में कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। तो जैम्प ही हम यूज करेंगे। जैम्प इज अ मोस्ट पावरफुल ऑफलाइन सर्वर रिकमेंडेड बाय ऑल, तो जैम्प में हम फोकस करेंगे। तो जैम्प हम डाउनलोड करने जा रहे हैं। जैम्प एक सॉफ्टवेयर है। हम डाउनलोड जैम्प फॉर विंडोज। तो जैम्प का ऑफिशियल वेबसाइट अपाची फ्रेंड डॉट ओआरजी होता है, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड 32 बिट, एंड इन विच प्लेटफॉर्म आर यू लुकिंग फॉर? इट्स आवर विंडोज। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे डाउनलोड का आ चुका है, इसको आप सेव कर सकते हैं। सो इट्स अराउंड 107 MB। सो जैम हमारे पास डाउनलोड है, आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। सो जैम डाउनलोड होने के बाद ये है इसका exe फाइल, इसको आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैम को इंस्टॉल करना इजी है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, और प्रोसेस जो भी आएगा सबको ओके, यस पॉजिटिवली आप कंटिन्यू करिए और फाइनली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के दौरान एक चीज़ ध्यान देना होता है, ड्राइव कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। रिकमेंडेड ये होता है कि जिसमें हमारा विंडोज़ इंस्टॉल्ड नहीं है उसमें आप जैम को इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे हमारा विंडोज़ सी ड्राइव में है, तो बेटर है इंस्टॉल्ड योर जैम इनसाइड डी ड्राइव, हेयर इज जैम। सो अगर आप जैम को डी ड्राइव में इंस्टॉल किए हैं, तो डी ड्राइव में एक फोल्डर बन जाएगा, डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होगा दैट विल बी जैम, और इसके अंदर भी काफ़ी सारे फोल्डर्स होंगे, जैसे
तो ये काफ़ी सारे फोल्डर फाइल्स ये जैम खुद से क्रिएट करते हैं। और इसमें जो हमारे यूजेज के लिए सबसे मेन फोल्डर है दैट इज htdocs। htdocs यहाँ पे हमारे लिए रूट फोल्डर होगा, जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, वेयर htdocs इज आवर सर्वर रूट फोल्डर। वैसे अगर ये हमारा लोकल सर्वर है तो htdocs में आप जो भी फाइल फोल्डर बनाएंगे वो हमारा डोमेन नेम माना जाएगा। सिंपली htdocs में जो भी फोल्डर होगा तो वो हमारे लिए डोमेन नेम माना जाएगा। जैसे टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं फोल्डर का नाम, जैसे abc सिंपल। तो हमारे लोकल सर्वर में abc सिंपल एक डोमेन नेम माना जाएगा जो एक्सेस होगा इस तरीके से ब्राउज़र में, http लोकल होस्ट स्लैश abc सिंपल। तो इसको एक्सेस करके हम देखते हैं, एंड करेंटली वी डोंट हैव एनी फाइल इनसाइड द फोल्डर, जस्ट चेकिंग है। तो एक चीज़ और है, जैसे अनेबल टू कनेक्ट, पहले हम अपना सर्वर चेक कर लेते हैं कि रनिंग मोड में है या नहीं। डायरेक्ट आप http लोकल होस्ट टाइप कर सकते हैं, http अभी ब्राउज़र में हिडन रहता है। अनेबल टू कनेक्ट इट मीन्स हमारा सर्वर अभी रनिंग नहीं है। आप जैम्प इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप में स्टार्ट मेन्यू में जैम्प का आई कंट्रोल पैनल का आइकन आ जाता है इस तरीके से, इसको क्लिक करिए। तो ये है जैम कंट्रोल पैनल का विंडो। इसमें हमारे लिए दो चीज़ें स्टार्ट होना चाहिए, अपाची और MySQL। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम, और MySQL को भी स्टार्ट करेंगे। ये दोनों ग्रीन होना चाहिए, रनिंग मोड में होना चाहिए। अगर इन केस अपाची आपका स्टार्ट नहीं होता है, तो अगर स्काइप सॉफ्टवेयर आप में इंस्टॉल्ड है तो स्काइप पोर्ट 80 यूज करते हैं, और अपाची को भी पोर्ट 80 चाहिए तो डिस्टरबेंस होता है, इसीलिए हम स्काइप का पोर्ट चेंज कर देते हैं। स्काइप का पोर्ट चेंज करने का ऑप्शन मैं बताता हूँ। जैसे स्काइप आप में अगर इंस्टॉल्ड है तो स्काइप में हम पोर्ट कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। टूल्स में जाइए, ऑप्शंस, एडवांस, कनेक्शन, एंड हेयर यू कैन फाइंड पोर्ट 80। बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड होता है, इसको आप अनचेक कर दीजिए तो स्काइप अपना पोर्ट अपने आप चेंज कर लेंगे और हमारे जैम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको अनचेक करके सेव कर दीजिए। हमने सर्वर स्टार्ट कर चुके हैं तो यहाँ एंटर दबाकर कंफर्म करते हैं हमारा सर्वर रनिंग है या नहीं। तो इस तरीके से अगर पेज आता है जैम का तो डेफिनेटली आवर जैम हैज बीन स्टार्टेड। सो नाउ वी कैन चेक हेयर abc सिंपल। अभी हमारे abc सिंपल्स में फाइल्स नहीं है यहाँ पे अंदर, तो इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब इसको ऐसे समझना है कि इन फ्यूचर हम जो php में वेबसाइट डेवलप करेंगे तो इस तरीके से एक फोल्डर बनाकर, और जो भी नाम का फोल्डर होगा वो इसी तरीके से एक्सेस होगा, http लोकल हो स्लैश फोल्डर का नेम ये होगा। हमने क्लासेज के लिए
htdocs के अंदर ट्यूटोरियल्स नाम से फोल्डर बनाए हैं और इसके अंदर PHP फोल्डर है, और यहाँ पे हम अपना फाइल्स का करेंगे आगे। तो ये हमारा लोकल सर्वर का इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स वैसे मैथ में जो सेंस होता है उसी किस्म से हैं। डेटा टाइप में बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के डाटा होते हैं, एक तो वेरिएबल हो गए और दूसरा कॉन्स्टेंट। वेरिएबल जैसे मालूम होगा आप लोगों को कि जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, जैसे मैथ में सपोज एक्स इज इक्वल टू 2000, वाई इज इक्वल टू 5, तो जो एक्स और वाई कहना है वो यहाँ पे वेरिएबल है। तो PHP में वेरिएबल के लिए क्या मैंडेटरी है? तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर असाइंड विथ डॉलर सिंबल। सो सिंपली जो भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं वो डॉलर के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो वो वेरिएबल्स हैं, जैसे डॉलर ABC। तो ये अल्फाबेट्स हैं, इसमें डॉलर हमें यहाँ पे असाइंड है, सो इट्स अ वेरिएबल। सी है डॉलर पेमेंट, इट्स ऑल्सो वेरिएबल। डॉलर मोहन 1 2 3, इट्स ऑल्सो वेरिएबल। एंड देर कैन बी सम न्यूमेरिक वैल्यू। तो वेरिएबल ये होते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में डॉलर सिंबल के साथ हम अगर असाइन करते हैं तो लेफ्ट साइड में ही। कॉन्स्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टेंट जैसे हमें समझ आता है जो फिक्स होते हैं, बिल्कुल जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे 5 5 2000, जो भी न्यूमेरिक है वो सारे कॉन्स्टेंट हैं। तो कॉन्स्टेंट में भी दो टाइप से होते हैं PHP में, एक हो गए हमारे न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट एंड अदर इज स्ट्रिंग कंस्टेंट। न्यूमेरिक कंस्टेंट जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी नंबर जैसे 5 2000, तो जो भी नंबर से वो सारे न्यूमेरिक कंस्टेंट हैं। 5 का जो भी मतलब है वो 5 ही होगा, कभी चेंज नहीं हो सकता है, सो इट्स अ कंस्टेंट, फिक्स वैल्यू। बट PHP में और भी कंस्टेंट होते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद कोटेशन सिंबल। कोटेशन सिंबल में आप कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को आप डालते हैं, जैसे हेलो यू देयर, डेफिनेशन इनका मैं लिख देता हूँ। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इनक्लोज्ड विथ कोटेशन सिंबल, बट इट कैन बी डबल कोटेशन एंड सिंगल कोटेशन। जैसे अभी मैंने यहाँ सिंगल कोटेशन लिखा है, डबल कोटेशन भी हो सकता है। सो कोटेशन के अंदर ही आप यहाँ पे कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर डाल सकते हैं, तो ये अपने आप में एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट माना जाएगा PHP में। और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रिंग भी कहा जाता है प्रोग्रामिंग में। स्ट्रिंग जो वर्ड है काफ़ी फेमस है, सो ये हमारे स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो इनका यूजेज कैसे होना है इन फ्यूचर उसका कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे डॉलर पेमेंट इक्वल टू 2000, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये जो डॉलर पेमेंट है ये वेरिएबल है,
और राइट साइड में जो वैल्यू हमने डाले हैं ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट है, जैसे डॉलर मैसेज। सो इट्स अ वेरिएबल डॉलर मैसेज एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट एंड बेसिकली इज ए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो ये था हमारा डेटा टाइप्स, जैसे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट। वेरिएबल आर सिंपली द विद द डॉलर सिंबल हैविंग अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड कॉन्स्टेंट आर बेसिकली टू टाइप्स, इट्स न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड अदर इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट आर सिंपल, जस्ट ऑल द नंबर्स आर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हैविंग इनक्लोज विद द कोटेशन सिंबल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जैसे आप लोगों को मैथ में भी मालूम होगा, जो भी है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ जो जो यूनिक है जो आप लोगों को मालूम नहीं होगा वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमें नॉट इक्वल टू का कहीं कंडीशन लगता है प्रोग्रामिंग में, नॉट इक्वल टू हम इस तरीके से देते हैं, और ऐसे भी हम नॉट इक्वल टू दे सकते हैं। इसमें ये लेस देन है और ग्रेटर देन का सिंबल है, दे बोथ आर फॉर नॉट इक्वल्स टू। परसेंटेज सिंबल वैसे हमें परसेंटेज मैथ में परसेंटेज के लिए होता है, बट यहाँ मॉडुलस है। मॉडुलस जो रिमाइंडर होता है, जैसे 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, और रिमाइंडर जो 1 आएगा वो हमारा मॉडुलस होगा। इसका आउटपुट वैसे 2.5 होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट डिवीजन में है, बट अगर 5% 2 किया जाए तो इसका आउटपुट 1 आएगा, बिकॉज इट प्रोड्यूस 1 मॉडुलस। तो ये मॉडुलस है। और हमें लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करना है, जैसे एंड। कोई भी दो कंडीशन के बीच में हमें कभी चेक करना होता है, जैसे दोनों कंडीशन ट्रू हैं। सपोज अ मेंबर सेलेक्टेड सम कलर्स, तो उसमें हमें क्या करना है कि सेलेक्टेड कलर्स इज इक्वल टू रेड एंड ग्रीन, तो वहाँ पे एंड आ रहा है, मतलब जो कंडीशन है वो रेड एंड ग्रीन दोनों होना चाहिए। तो ये सेंस है एंड का। एंड इस तरीके से भी हम दे सकते हैं, और के लिए ये होता है, और डबल पाइप से भी हम और दे सकते हैं। और एक इंक्रीमेंट होता है, जैसे डॉलर एन प्लस प्लस। तो इसका क्या सेंस है कि सपोज डॉलर एन में 3 है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद उसमें प्लस 1 हो जाता है, तो इंक्रीज बाय 1। एंड डॉलर एन में जितना भी वैल्यू होगा, सपोज 2000 आप डॉलर एन में रखेंगे तो ये हमें 2001 प्रोड्यूस करेगा, इंक्रीज बाय 1। और इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, डॉलर एन इक्वल टू डॉलर एन प्लस 1, सेम आउटपुट है, इट्स इंक्रीज बाय 1। बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास कि अगर हम 5 5 से इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ पे हम 5 दे सकते हैं, इट्स इंक्रीज बाय 5। बट इसमें हम ज़्यादा प्लस डालने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये बस इतना ही होगा। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि इंक्रीज कर सकते हैं आप। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए जो मेन मेन हमें यूज हो सकता है। नाउ पीएचपी टैग्स। पीएचपी टैग में क्या समझना है हमें, जैसे एचटीएमएल आप लोगों को मालूम होगा, टैग होते हैं जो एचटीएमएल का, डीप टैग, टेबल टैग, फॉर्म टैग।
तो कोई भी डॉक्यूमेंट में आप डायरेक्ट जो भी टाइप करेंगे वो HTML ही माना जाएगा। बट हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि कोडिंग करने से पहले हमें आगे उसका टैग देना होता है कि इट्स अ PHP कोड, तो वो टैग होते हैं। जैसे ये PHP का स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इट्स अ स्टार्टिंग टैग एंड इट्स अ क्लोजिंग टैग। तो इसके बीच में हमारे सारे कोडिंग यहाँ पे आ सकते हैं। इन फ्यूचर जब हम कोडिंग करेंगे तो ये फर्स्ट में देंगे हम और वो लास्ट में होगा, और यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। और टैग और भी हैं, जैसे इसको सॉर्ट ओपन टैग कहा जाता है। इट्स अ सॉर्ट ओपन टैग। तो PHP में जैसे जो भी वर्जन हम चेंज हो रहे हैं तो काफ़ी सारे फीचर्स न्यू आ रहे हैं, तो अब ये भी टैग हमें सपोर्ट होता है। सो मोस्ट ऑफ द डेवलपर यूज टू कोड इन दिस टैग। ये टैग एज यूजली ट्रेडिशनली चलते आए हैं और ये PHP 5 में अभी सपोर्ट करते हैं सॉर्ट ओपन टैग। बट काफ़ी सारे सर्वर में बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, तो हमें उसको मैनुअली इनेबल करना होता है इस टैग को। सो अब डिस्कस करते हैं PHP एडिटर के बारे में। इट्स बेसिकली वेयर वी कोड आवर PHP, बिकॉज आई थिंक यू नो दैट वी कैन कोड ऑल आवर PHP इन नोटपैड। नोटपैड में भी कोडिंग होता है PHP का, बट हमें ध्यान देना है प्रोफेशनली मार्केट में कौन सा एडिटर यूज होता है, PHP कोडिंग किस में होता है। तो ग्लोबली सबसे ज़्यादा यूज़ ड्रीम वीवर का है। फिर नोटपैड प्लस प्लस में भी कोडिंग होता है। तो इस तरीके से आप समझिए कि ड्रीमवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो PHP एडिटिंग के लिए फेमस है। एंड नॉट्स ओनली फॉर PHP, इट्स ऑल्सो फॉर HTML, JavaScript, CSS, .NET। तो काफ़ी सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है ड्रीमवेयर, और इसमें काफ़ी फीचर्स हैं। जैसे हमें कोडिंग हेल्प मिलता है, कोडिंग में ही अलग अलग चीज़ें जो होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे फंक्शन का कलर ब्लू होते हैं और चीज़ों का कलर फिर ग्रीन रहता है, तो उसमें कोई एरर आए तो हमें मालूम होता है। स्पेलिंग हिंट भी आता है, जैसे आप कुछ टाइप करना चाहते हैं डॉलर अंडर। ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है जो हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप डॉलर अंडर ऐसे टाइप करेंगे तो अपने आप हिंट आने लगेगा जो ड्रीम वर्ल्ड में हम देखेंगे वहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी फीचर्स हैं, और सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं काफ़ी फास्ट। सो ड्रीम वर्ल्ड इज़ द नंबर वन प्रोफेशनल PHP एडिटिंग सॉफ्टवेयर। हम अपने क्लास में ड्रीम भर का 8 वर्जन यूज करने जा रहे हैं। ड्रीम भर 8 वैसे काफ़ी पुराना है, बट एडिटिंग कोडिंग के लिए हमें लाइट वर्जन चाहिए, जो ड्रीम भर 8 लाइट माना जाता है। और जो भी आप कोडिंग करना चाहते हैं वो इजीली हो जाता है। और लेटेस्ट ड्रीम भर का CS वर्जन है, CS6, CS7, 8। यू कैन डाउनलोड इट्स पर योर रिक्वायरमेंट। तो ड्रीम भर 8 वैसे डाउनलोड किया जा सकता है गूगल से। आप डाउनलोड ड्रीम भर 8 करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इट्स अराउंड 50 और 80 MB आई थिंक।
तो ड्रीमवीवर हमारे में इंस्टॉल्ड है, ये है ड्रीमवीवर। तो ड्रीमवर को हम ओपन कर रहे हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इस तरीके का आपको पेज आ सकता है। इसमें हमें कौन सा फाइल में काम करना है, तो इट्स अ पीएचपी। तो यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। और वैसे हमारा जो फोल्डर है जहाँ पे हम पीएचपी का सब चीज़ें कर रहे हैं, वो यहाँ पे एच टी डॉक्स के अंदर ट्यूटोरियल्स पीएचपी क्लास क्लास वन। तो यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, सपोज इंडेक्स वन डॉट पीएचपी। सी अभी हम डॉट पीएचपी टाइप कर रहे हैं तो पीएचपी फाइल बन जा रहा है, बट आई थिंक आप लोगों में एक्सटेंशन इनेबल नहीं होता है चेंज करने में, तो उसको आप इनेबल यहाँ से कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज के अंदर फोल्डर सर्च ऑप्शन व्यू एंड दिस वन, डिफ़ॉल्ट में ही विंडो में चेक्ड होता है, जिसकी वजह से हम एक्सटेंशन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। सी अब मैं अगर कोई फाइल बनाता हूँ, जैसे एबीसी डॉट पीएचपी हम रखना चाहते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है डॉट पीएचपी, बट डॉट टीएक्सटी हिडन है इसके पीछे। सो इट स्टिल इज अ टेक्स्ट फाइल, हम यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज फोल्डर सर्च ऑप्शन व्यू एंड नाउ अनचेक दिस अप्लाई सेव। सो वी कैन सी हेयर द हिडन एक्सटेंशन दैट्स अ टी एच टी। सो नाउ वी कैन रिमूव दैट। सो फॉर डेवलपर वी कैन इनेबल द एक्सटेंशन सो दैट वी कैन क्रिएट द फाइल्स डायरेक्टली। सो इंडेक्स वन डॉट पी एच पी है, हम इसको डायरेक्ट ड्रीमवीवर में खोलते हैं। अब फर्स्ट टाइम आपने ड्रीमवीवर डाले हैं तो ओपन भी ड्रीमवीवर कर सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसमें पी एच पी टैग करते हैं। और एक चीज़ छोटा सा समझना है हमें, जैसे दो विंडो हमें नज़र आ रहा है, ये ऊपर का पोर्शन और ये नीचे यहाँ पे, तो ये कोड भी होता है, यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं और एच टी एम एल का काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन आएगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो वैसे एच टी एम एल में ये ज़्यादा यूज होता है, आप इसको छोटा कर सकते हैं। सो इट्स अ पी एच पी स्टार्टिंग टैग एंड पी एच पी क्लोजिंग टैग। अब उसके अंदर हम कुछ रिसर्च करते हैं। सर डॉलर ए में हमने रखा एक मैसेज, कुछ रखते हैं तो ब्राउज़र में इसको हम देखते हैं। ब्राउज़र में ये फाइल को हम ओपन करते हैं। तो इस तरीके से होगा लोकल होस्ट ट्यूटोरियल्स, क्योंकि एच टी डॉक्स के बाद हमारा ट्यूटोरियल्स फोल्डर का नाम है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे फोल्डर हैं, तो वो डायरेक्ट आप यहाँ एंटर दबा दीजिए, ऑप्शन आ जाएगा, फिर क्लिक कर लेंगे पी एच पी क्लास, फिर क्लास वन एंड नाउ इंडेक्स वन डॉट पी एच पी। पेज यहाँ पे ब्लैंक से हो रहा है क्योंकि पीएचपी में हमने बस अभी वैल्यू स्टोर किए हैं, वी आर नॉट शोइंग ऑन टू द ब्राउजर, मतलब वैल्यू को हम शो नहीं करवा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहला फंक्शन आता है पीएचपी में, इको फंक्शन। इको फंक्शन सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो आपको शो करवाना होगा ब्राउज़र में, तो उसको आप इको में डाल सकते हैं, इको फंक्शन में इस तरीके के, जैसे इको डॉलर ए। और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन दे रहा हूँ, तो इसमें आप लोग समझिए कि सेमी कॉलन पीएचपी में जब भी लाइन ब्रेक होगा, जैसे एक लाइन ये ब्रेक हो गया तो वहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, फिर ये दूसरा लाइन ब्रेक हुआ तो सेमी कॉलन लगेगा। इसका अगर हम आउटपुट देखना चाहें तो हेलो यू देयर नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये इको हो रहा है। इसको हम और तरीके से भी चेक करते हैं। अभी हमने वेरिएबल बनाए थे,
वेरिएबल के अंदर हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट डाले थे और उस वेरिएबल को हम इको करवा रहे हैं, एंड नाउ वी कैन सॉर्ट डायरेक्टली विद द इको। तो इस तरीके से भी हमें ब्राउज़र में नज़र आएगा। इट्स अ गुड मॉर्निंग। सो इको से बेसिकली आप शो करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स अ इको। दूसरा फाइल हम बनाते हैं, इसमें हम कुछ वेरिएबल का रिसर्च करते हैं, जैसे डॉलर ए इक्वल टू 20, डॉलर बी इक्वल टू 30। डॉलर ए में हमने 20 स्टोर किए वैल्यू और डॉलर बी में 30। तो डॉलर सी में हम डॉलर ए प्लस डॉलर बी स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम इको डॉलर सी को करें तो ब्राउज़र में हमें इस तरीके से डॉलर ए में 20 है और डॉलर बी में 30 है, तो 20 प्लस 30 50 आना चाहिए। इट्स इन इंडेक्स 2, सो इट्स अ 50, 50 आ रहे हैं यहाँ पे। तो इको फंक्शन हमने रिसर्च किए थे। अब आते हैं कंडीशनल टैग में। कंडीशनल टैग कंडीशन के लिए है, और जैसे इफ एल्स, इफ एल्स ये कंडीशनल टैग है, इसमें हम करते हैं डिस्कस। सबसे पहले हम सिंटेक्स के लिए बात करते हैं, सिंटेक्स जो इसका स्ट्रक्चर है कोडिंग का। तो इस तरीके से इफ, ये स्मॉल ब्रैकेट है स्टार्ट और क्लोज, और ये मीडियम ब्रैकेट है, एंड एल्स। सो इट्स अ सिंटेक्स इफ एल्स, और इसमें हम समझते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आएगा, इन फ्यूचर कंडीशन कुछ भी हो सकता है, और अगर वो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये सेंस में दे रहे हैं कि इफ कंडीशन, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो ये ब्लॉक में जो भी आप काम करेंगे ये एग्जीक्यूट होगा। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। और अगर फॉल्स होता है कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट होगा। ये सिंटेक्स है, सिर्फ यहाँ कंडीशन आएगा और यहाँ पे जो भी हम यहाँ काम करेंगे कोडिंग वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये इफ एल्स का सिंटेक्स है। अब छोटा सा एक हम एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम इफ एल्स को रिसर्च करेंगे। तो हम डॉलर ए में जैसे 30 स्टोर कर रहे हैं, डॉलर बी में 40, डॉलर सी में डॉलर ए प्लस डॉलर बी। अब ई फिल्स हम बनाते हैं। बेटर सिंटेक्स हमेशा कंप्लीट करना होता है, क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपर का हैबिट होता है जैसे इफ किए फिर यहाँ पे कुछ कोडिंग करने लगते हैं। तो बेटर है कि पहले आप सिंटेक्स कंप्लीट कर दीजिए, तो इससे एरर आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। इफ तो एक कंडीशन देते हैं सिंपली रिसर्च करने के लिए, कि डॉलर सी लेस देन 100, तो इको में देते हैं हेलो, और एल्स वाले पार्ट में हम देते हैं देर। इसमें हम चेक करते हैं, देखिए डॉलर सी में हमें मालूम है 40 प्लस 30 70 है, तो 70 क्या लेस देन 100 है? ये इट्स ट्रू बिकॉज 70 लेस देन 100। तो ये स्टेटमेंट इको हेलो, मतलब ब्राउज़र में बस हेलो नज़र आएगा। अब ये स्टेटमेंट इतना ही है, तो
तो चेक करते हैं ब्राउज़र में। हाँ तो हेलो नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर हम कुछ कंडीशन चेंज करें, जैसे ग्रेटर देन कर दें, तो सी 100 से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स सही है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो देर आ रहा है। तो इस तरीके से छोटा सा एक इफ एल्स का रिसर्च होगा। अगर हम इसको ऐसे करें लेस देन 70, तो क्या होना चाहिए? सी में हमें मालूम है 70 है, बट कंडीशन यहाँ कह रहा है कि लेस देन 70, मीन्स इफ सी लेस देन 70, बट इट्स नॉट लेस देन, इट्स इक्वल टू 70, तो अभी भी ये फॉल्स है, अभी भी देयर ही आना चाहिए। बट अगर यहाँ पे हम इक्वल टू डाल देंगे, तो सी लेस देन और इक्वल्स टू में आ गया, तो हेलो आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा हमने ई फेल्स का रिसर्च किया। ई फेल्स का वैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स होंगे, काफ़ी सारे यूजेज हैं जो आने वाले टॉपिक के साथ होगा, जैसे लूप हो गया, एरे हो गया, तो उसके साथ यूज हो सकता है, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं।